असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, काम वो करता है जब आप मांगते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह कल था वो आज है और युगानुयुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कैसे मिलता है, परमेश्वर को हम कैसे खोजें कि हम उसको पालें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युगांत तक एक सा है। आपको पता है यीशु मसीह के मरने के बाद 1400 साल तक, बाइबल अभी आई है 600 साल पहले, लेकिन उससे पहले उसके चेले अद्भुत थे। वो अपनी जान गंवा देते थे, समर्पित थे, बड़ी बड़ी उन्होंने किताबें लिखी, बड़े बड़े उन्होंने परमेश्वर को जाना। कैसे जाना? यीशु मसीह पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही होगा। कैसे उन्होंने यीशु को पाया? चर्च वो भी जाते थे, हालेलुया, आपकी तरह वचन सुनते थे, लेकिन कैसे? यिर्मयाह 29 का 12 पढ़िए। यिर्मयाह 29 का 12। आपका मकसद क्या है कलीसिया में आने का? आपका मकसद क्या है प्रभु को जानने का? पढ़िए बेटा, यिर्मयाह 29 का 12, ध्यान से समझिए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। ध्यान दीजिए इस वचन पर, ध्यान दीजिए। हम परमेश्वर को खोजने की बात कर रहे हैं। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि वो योजनाएं जो परमेश्वर ने बनाई है वो हानि की नहीं है, लाभ की है, और वो परमेश्वर जानता है। लेकिन जब आप उन योजनाओं को जान लेंगे तब तुम मुझे ढूंढोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन तुम्हें मिलूंगा नहीं। फर्क है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मिलूंगा कैसे? इसी का अगला वचन क्या लिखा? 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। जब तक आप संपूर्ण मन से उसको नहीं खोजेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। आप बीमार होंगे, आएंगे उसके पास कि प्रभु मैं बीमार हूं, आपकी सुनेगा। आपके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, वो आपकी सुनेगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। वो मिलेगा तब जब आप संपूर्ण हृदय से उसे ढूंढेंगे। हालेलुया। आप लोगों के साथ बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास नौकरी नहीं होगी। बहुत से ऐसे समय आया होगा जब आप कठिनाई में आपने अपना समय गुजारा होगा, नौकरी नहीं होगी। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास नौकरी नहीं होती है और आपका बच्चा घर में भूखा होता है तो आप अपनी नौकरी की तलाश कैसे करते हैं? कैसे अपनी नौकरी को ढूंढते हैं? हर किसी को बोलते हैं, इश्तिहार पढ़ते हैं, कहीं मुझे मिल जाए, कुछ मिल जाए। चलो 10,000 मैं पहले कमाता था, 8,000 मिल जाए, 7,000 मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मेरा बच्चा भूखा ना हो। हालेलुया। क्या जिस तरीके से आपका बच्चा भूखा है और आप नौकरी ढूंढते हैं, क्या ऐसे आप प्रभु को ढूंढते हैं? क्यों नहीं मिल रहा वो आपको? क्योंकि आप हृदय से नहीं ढूंढ रहे हैं। आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, ताला बंद है, आपने सोचा कि चाबी आपकी जेब में है। प्रेज द लॉर्ड। और आप घर पहुंचे, सब लोग सो रहे हैं, आस पड़ोस सब लोग सो रहे हैं, और आपको अपने घर जाना है, ताला बंद है, चाबी खो गई है। उस चाबी को कैसे ढूंढेंगे आप? अपने पर्स उलट देंगे आप, जहां जा रखा था अपनी पैंट की जेबें उलट देंगे आप, ताकि मुझे चाबी मिल जाए। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चाबी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर आपके लिए जरूरी है? क्या इस तरह परमेश्वर को ढूंढते हैं आप?
जिस दिन आप इस तरीके से प्रभु को ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा, उसका वचन है। आप प्रार्थना करते हैं, दिन सुबह उठते प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सुबह उठते प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? कभी आपने किसी अंधे को प्रार्थना करते सुना है, देखा है, जिसकी दोनों आंखें नहीं है और जब वो नींद से उठता है और प्रार्थना करता है, सबसे पहले वो किसको ढूंढता है? सबसे पहले वो किसको देखता है? प्रार्थना करते ही वो किसको खोजता है? अपनी लाठी को, जो उसे सहारा देती है। आप किसे खोजते हैं? आमीन। अंधा आदमी सुबह उठते ही सबसे पहले उस लाठी को खोजता है कि मेरी लाठी कहाँ है जो मुझे सहारा देती है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या है? लाठी है। क्या हम उस लाठी को खोजते हैं कि आज का दिन मैं इस लाठी के साथ गुजारूंगा, आज का दिन, आज का जीवन मैं इस सहारे के साथ गुजारूंगा? आमीन। मेरा सहारा क्या है? यीशु। मेरा सहारा क्या है? यीशु का वचन, उसकी ज्योति। अंधा कभी भी अपने घर के बाहर उस लाठी के बिना नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा सहारा मेरी लाठी है। और अगर आपका सहारा यीशु है तो हमें भी अपने घर के बाहर बिना यीशु के नहीं निकलना चाहिए। कहीं भी जाएं आप, कहीं भी जाएं, कोई भी काम हो, कैसी भी स्थिति हो, यीशु का सहारा अपने साथ रखिए। आमीन। आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे, आप बड़े से बड़े गड्ढे आएंगे उनको पार कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु का सहारा होगा, वो लाठी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 13वां दोबारा पढ़िए बेटा, 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। संपूर्ण मन से, कुछ और मन में नहीं होना चाहिए। मेरा धंधा, मेरी नौकरी, मेरा रिश्ते, कुछ और नहीं, सिर्फ मेरा प्रभु को पाने की चाह, कुछ और नहीं। और उसमें लिखा हुआ है कि तुम जब संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। कमिटमेंट कर रहा है परमेश्वर। हेलो, कमिटमेंट कर रहा है। आपके जीवन में क्यों परीक्षाएं आती हैं? दो बातें। नंबर वन, आप पाप से घृणा नहीं करते, आप पाप से घृणा नहीं करते। जिस दिन आप पाप से घृणा करना शुरू कर देंगे, सफलता के रास्ते पे आप शुरू हो जाएंगे। पाप से घृणा, गलत विचार से घृणा। पाप क्या है? छोटे से छोटा गंदा विचार भी पाप है। झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, कामुकता से किसी को देखना पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जानकर, अच्छे काम को जानकर ना करना भी पाप है। याकूब की पत्री 4:17 कहता है कि अगर तुम भलाई करना जानते और नहीं करते हो तो ये पाप है। तो नंबर वन क्या हुआ? कि आप पाप से घृणा नहीं करते। नंबर दो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारियां क्या है? आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चे के लिए आपकी जिम्मेदारी अलग है, आपकी पत्नी के लिए आपकी जिम्मेदारी अलग है, आपके देश के लिए आपकी जिम्मेदारी अलग है, और आपके परमेश्वर के लिए आपकी जिम्मेदारी अलग है। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी मसीह बनाया है। अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अगर हम उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ नहीं बिताएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे।
हम आज यूसुफ के बारे में बात करेंगे कि यूसुफ ने किस तरीके से पाप से कैसे दूर रहा वो, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उत्पत्ति 39:7-10, जेनेसिस 39:7-10, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के बारे में, यूसुफ ने कैसे, यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ दास था, हालेलुया, अपने माँ बाप का इकलौता और बहुत लाडला बच्चा था यूसुफ, बहुत लाडला बच्चा था। आप सब जानते कि यूसुफ को परमेश्वर ने, याकूब ने अंग रखा सिलवा के दिया था, मेरे राहेल का बेटा है, बहुत प्यार करता था। और यूसुफ को पैलौठे का स्थान दिया गया था, वो पैलौठा नहीं था, पैलौठा कौन था? रूबेन। क्यों? क्योंकि रूबेन ने पिता की दासी के साथ गलत संबंध निभाए थे, इसलिए पैलौठे का स्थान उसने गंवा दिया था, और वो पैलौठे का स्थान उसे यूसुफ को दिया गया था, इसलिए उसे अंग रखा दिया गया था। तो यूसुफ जो था बहुत अच्छा था, दर्शन पाता था परमेश्वर से, बातें करता था परमेश्वर से, और आशीषित लड़का था और चुना हुआ, और बहुत लाडला था घर का, बाप उससे कोई काम नहीं कराता था, हालेलुया, वो बड़े भाइयों को देखता था सिर्फ, बहुत लाडला था। और किसी तरीके से जेलसी के कारण भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में बेच दिया, और मिस्र में पोती पर एक व्यापारी था उसके घर में वो आया, क्योंकि उसने उसे खरीदा था। उस समय एक दास की कीमत, गुलाम, गुलाम कौन होता है? गुलाम की मतलब पता है? अधीनता का मतलब पता है आपको? गुलाम वो है जो अपने मन से सांस भी नहीं ले सकता, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पगार नहीं, खाना भी आपके मन का नहीं, बच गया तो आपको खिला देंगे, नींद भी आपके मन की नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, गुलाम था। लेकिन किसी भी तरीके से वो परमेश्वर के भय में था। उत्पत्ति 39:2 कहता है कि यहोवा उसके साथ था, हालेलुया। यहोवा का साथ होने का मतलब क्या है? कि आपके साथ सही बुद्धि है, आपके अंदर लालच नहीं आएगा, आपके अंदर बोझ आएगा, आपके अंदर दया आएगी। पता है आपको परमेश्वर क्या देना चाहता है? अनंत काल का जीवन देना चाहता है परमेश्वर आपको, आपको अनंत काल का सुख देना चाहता है। हम लोग अभी का सुख मांगते हैं, कल का सुख मांगते हैं, लेकिन वो अनंत काल का सुख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखिए, वो कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी कभी नहीं सुनता है, होता है कि नहीं? सबके संग होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, क्यों नहीं सुनता? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता, और क्यों सुनने में देर करता है? दो बातें, पहली बात तो यह है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में इसलिए देर करता है ताकि परमेश्वर चाहता है आप उस संसार को जाने जिस संसार पर आप निर्भर हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है और देर करता है, तो अपने पड़ोसी से मांगते हैं आप, अपने भाई से मांगते हैं, अपनी बहन से मांगते हैं, अपने दोस्तों से आप मांगते हैं, और तब पता लगता है कि यार दोस्त तो यार वक्त पे काम नहीं आया, ये बहन तो वक्त पे काम नहीं आई, यार मैं इस पे डिपेंड करता था, इसे कहता था ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा जीजा है, ये तो मेरा पिता है, ये तो मेरा पड़ोसी, अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो मेरी हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन उसने भी मुंह घुमा दिया, उसने भी मेरा फोन नहीं उठाता है, स्विच ऑफ कर दिया। आप समझे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में देर क्यों करता है? ताकि आप उस संसार को जाने जिस संसार पर आप निर्भर हैं, जिस संसार पर आप भरोसा करते हैं, जिस संसार पर भरोसा करकर आप परमेश्वर को
अपने जीवन में नीचा कर रखते हैं। कोई ना कोई नहीं, अगर ये नहीं परमेश्वर से तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे दीपक भाई अच्छी बात करेंगे, अरे हमारे सुरेश भाई हमारी प्रार्थना सुन, हमारी सेवा करेंगे, हमें मौका देंगे, हालेलुया, हमारा साथ देंगे। नंबर दो, पहला क्या हुआ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, ताकि वो चाहता है कि आप उस संसार को जाने जिस संसार पर आप भरोसा करते हैं। नंबर दो, परमेश्वर चाहता है कि अगर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में देर क्यों करता है, ताकि आपके अंदर उस आदमी के लिए दया आए जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास बीमारी है, जो कर्जे में है। आज आपके पास मान लीजिए कर्जा है, आज आप बीमार हैं, कैंसर की बीमारी है आपको, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, आपके अंदर घमंड था, आपके अंदर स्वार्थ था, नफरत है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपके अंदर प्यार नहीं है। लेकिन जब आप किसी और दूसरे कैंसर के पीड़ित आदमी को देखेंगे, आपके अंदर एहसास होगा कि यार मैं जिस बीमारी से गुजर रहा हूं उस बीमारी से ये भी गुजर रहा है। आपके मन में परिवर्तन आएगा, आपके मन में दया आएगी। हेलो, परमेश्वर का मकसद क्या है? आपके स्वभाव में ईशु को लाना, ईशु जैसा स्वभाव आप में आए। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड, रोमियो 8:28। कैसी भलाई? क्योंकि आपकी भलाई आपकी नौकरी में है, आपकी भलाई आपके धंधे में है, आपकी भलाई यह है कि साहब मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊं, आपकी भलाई है कि मेरी बहू को बच्चा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, आप इसमें भलाई महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर किसमें भलाई महसूस करते हैं? ताकि आपके अंदर से लालच निकले, आपके अंदर स्वार्थ निकले, आपके अंदर नफरत निकले, आपके अंदर व्यभिचार निकले, और आप ईशु जैसे हो जाए ताकि परमेश्वर आपको ले जाए। Amen. अगर आप ऐसे ही रहेंगे परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा, कितनी भी धन दौलत है आपको नहीं लेके जाएगा। तो परमेश्वर आपको अनंत काल का सुख देना चाहता है और आप अभी का सुख चाहते हैं, यही फर्क है। इसलिए 55:8 यशाया 55:8 कहता है कि उसके विचार और तुम्हारे विचार अलग अलग हैं, अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर हम बात करते हैं जिम्मेदारी की, कि किस तरीके से यूसुफ ने जिम्मेदारी को समझा। हालेलुया, उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39:7-10 पढ़िए बेटा, जोर से पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने आविष्कार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उनकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं इसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, आप देखिए, हालेलुया, वो क्या कह रहा है, मेरी वो क्या याद दिला रहा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, पूरे घर का अधिकारी मैं हूं, पोतीपर ने मुझ पर भरोसा किया है, परमेश्वर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूं। क्या हम शैतान को बोलते हैं? जब भी शैतान हमारे मन में कोई गलत भावना लेकर आता है, जब भी शैतान हमारे मन में कहता है कि यार यार थोड़ा सा कमीशन ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, तेरा भला हो जाएगा, अरे किसको पता चलेगा, इधर का पैसा उधर कर लो, किसको पता चलेगा, जब शैतान आपके मन में डालता है, क्या आप उससे शैतान से कहते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं भूखों मर जाऊंगा लेकिन मैं खुद को पवित्र नहीं करूंगा। Amen.
क्या आप शैतान का इनकार करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। आज यीशु ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपको अपनी आत्मा दी है, आपको पवित्र करार दिया है, आपको अपना मंदिर बनाया है उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़े से पैसे के लिए, हम थोड़े से उपलब्धि के लिए, हम थोड़े से अपने मान सम्मान के लिए बेच देते हैं, अपनी ईमानदारी को नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। यूसुफ ने, देखिए शैतान कैसे गेम खेलता है। आप शैतान को समझने की कोशिश करिए। शैतान जानता था कि यूसुफ परमेश्वर का प्रिय है, और शैतान जानता था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। हमारा कल किसके हाथ में है? हमारा भविष्य कौन जानता है? और वो जीवित है? वो हमारे साथ है? आमीन। तो शैतान जानता है, जानता था कि यूसुफ चुना हुआ है, यूसुफ के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं हैं। अब वो चाहता था कि यूसुफ को किस तरीके से गिराए, उसको गुलाम बनाकर वो पोती भर के घर पे लाया ताकि वो टूटे, ताकि वो परमेश्वर की निंदा करे। उसने नहीं की, उसने नहीं की, उसने परमेश्वर की उपासना की। हालेलुया। अब शैतान ने कहा कि किस तरीके से इसको गवाओ, व्यभिचार के रूप में। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपका भाई हूं और आपका आत्मिक पिता हूं। कभी भी कोई भी व्यभिचारिणी औरत किसी भी आदमी को इमीडिएट नहीं बोलेगी, वो पहले चिन्ह देगी, उसको बताएगी कि भाई मैं क्या चाहती हूं, मैं तुझे प्यार करती हूं, तुम मुझे अच्छे लगते हो। चिन्ह देगी, यहां पर क्या कह रहा है, इमीडिएट पोती पर की वाइफ बोलती है मेरे संग सो। मैन, आप समझ रहे हैं कि शैतान कितना व्याकुल था यूसुफ को गिराने के लिए। शैतान आपको गिराने के लिए बड़े से बड़ी नौकरियां दिला देगा कि किस तरीके से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी। आप बाहर जाएंगे, बड़े से बड़े अच्छे लड़के आपको मिल जाएंगे अन्य जाति के, शादी के लिए तैयार, शैतान दिलवा देगा आपको इमीडिएट। उसको यह मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है, उसका यह मतलब है कि वो किस तरीके से आपकी आत्मा को नष्ट करे। आपको पैसा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, हालेलुया। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, यीशु ने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा हुआ है और उसके हाथों में जख्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, आमीन। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को, यहां यूसुफ कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं? हालेलुया। अय्यूब की पत्री अगर 29 का 31 पढ़िए, 19 का 31 पढ़िए जल्दी सी। अय्यूब की पत्री 19 का 31, अय्यूब ने अपनी आंखों का संग वाचा बांधी। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है अय्यूब कहां बैठा हुआ था? घर के, शहर के बाहर बैठा हुआ था। क्या था उसे? कोढ़ हो गया था, उसने वाचा बांधी। अय्यूब को कोढ़ हो गया था, उसकी पत्नी उसके विरुद्ध हो गई थी, कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कोई देख नहीं रहा था, उसके दोस्त भी उस पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं? किस समय कह रहा है वो? जब उसके बच्चे खत्म हो गए थे, उसका व्यापार खत्म हो गया था, उसके मवेशी खत्म हो गए थे, उसको कोढ़ हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे स्थिति में शैतान जल्दी काम करता है और आपके अंदर गलत विचार जल्दी आते हैं। ऐसी स्थिति में वो वाचा बांध रहा है कि मैं
अपनी आंखों के संग वाचा बांधता हूं, क्योंकि मैं किसी कुंवारी को गलत निगाह से क्यों देखूं? क्योंकि उसे पता है वो जिम्मेदार इंसान है, एक परमेश्वर का खरा इंसान है, वो खरा व्यक्ति है। आमीन। हम आज फेसबुक में कुछ भी देख लेते हैं, यूट्यूब पे हम कुछ भी देख लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर गलत चीज हमने देखी है तो हमारा क्या, हम देख के निकल गए? नहीं, वो जो गलत दृश्य आपने देख लिया है ना, वो आज से 15 साल के बाद भी आपको याद रहेगा। ये है पाप। अगर वो गलत दृश्य आपने फेस पर देख लिया, यूट्यूब पे गलत दृश्य देख लिया आपने, फोनोग्राफी आपने देख ली, और आप समझ रहे हैं कि देखिए शैतान कितना गंदा इंसान है, आज फोनोग्राफी से लोग बर्बाद हो रहे हैं, जो युवक हैं नस्ल बर्बाद हो रही है वो, और फोनोग्राफी से आपको कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ देखते हैं, कुछ नहीं मिलता, खत्म। आपके सिर्फ मन की अशुद्धता होती है और कुछ नहीं मिलता आपको। क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आप अशुद्ध हो जाते हैं। और सालों साल के बाद भी आप 15 साल के बाद देखेंगे तो वो आपको दृश्य याद रहेगा, जो आपने बचपन में देखा था, जो आपने जवानी में देखा था, वो दृश्य अभी भी याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें पाप है। इसीलिए पाप खतरनाक है, इसीलिए हमें पाप से घृणा करनी चाहिए। नहीं, कुछ भी गलत लेने से पहले हमें घृणा चाहिए कि नहीं, घृणा करनी चाहिए। नहीं, पाप की वजह से हमारे पास कोई भी अगर धन भी आ रहा है, नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आशीष नहीं है। और जिस चीज में आशीष नहीं है वो अपने पास नहीं रखनी है। जिस चीज में पाप है वो बम है, बम, विस्फोटक बम है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। याद रखिएगा, लोग पाप को इजीली समझते हैं, इजी, अरे कोई बात नहीं है, छोटा सा पाप करना, छोटा सा झूठ बोलना क्या है, छोटा सा धोखा देना, छोटा सा यार पैसा किसी का नहीं लेंगे। मेरे भाई, आप एक विस्फोटक बम रख रहे हैं अपने पास जो कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा। यूसुफ ने कहा नहीं, मैं एक जिम्मेदार हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जिम्मेदारी को जानता था। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को जानेंगे तो आप पाप से भागेंगे। मैं एक चुना हुआ दास हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 127 का 3 पढ़िए, साम 127:3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। परमेश्वर के दिए हुए दान है, आपका जीवन आपका नहीं है, आप परमेश्वर के दान हैं अपने माँ बाप के लिए, आपके बच्चे आपके लिए दान हैं। आप अगर अपने बच्चों के लिए सही नहीं सोच रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों के लिए ईमानदार नहीं है, प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। आप कोशिश करते हैं ना कि आपका बच्चा पहली से दूसरी में जाए, दूसरी से तीसरी में जाए, चौथी से पांचवी में जाए, करते हैं ना? कभी आपने आत्मिक क्लास में उसे बढ़ाने की कोशिश की है कि चल छड़ी लेके बैठी नहीं, ये वचन याद करेगा तो तुझे खाना मिलेगा, इस वचन को मुझे समझाएगा तो तुझे मैं रोटी दूंगी, तो तुझे मैं खाने के लिए बाहर भेजूंगी। किया आपने? नहीं किया है। इसलिए जब वो आज बड़ा हो रहा है और विस्की पी रहा है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बचपन में आपने उसे आगे बढ़ाया है नहीं, क्लास में आप संसार में ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर बन जा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भैया, उसको आत्मिक जीवन का भी स्वाद चखाइए, उसके अंदर परमेश्वर का भय जरूरी है। आपका अपराध क्या है पता है? कि आप पाप को पाप नहीं समझते। आपका सबसे बड़ा अपराध क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं समझते। ईमानदारी से रात को बैठिए,
ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, क्या अब तक का आपने ईमानदारी के संग सही जीवन जिया है? अपने साथ क्या आपने सही, आपको अपने राह पे चले हैं? अपने बच्चों को आपने सही रास्ते पर चलाया है? करिए, पता करिए आप। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। आपका अपराध क्या है? क्योंकि आप पाप को समझ ही नहीं रहे, आपको आप पाप को पाप नहीं मान रहे, ये आपका अपराध है। आप में ईगो है, ये पाप है। आप में घमंड है, ये पाप है। आप मान नहीं रहे, ये आपका अपराध है, ये आपका अपराध है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आत्मा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपका विवेक आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। नो, मैं ठीक, यही तो अपराध है। अपराध क्या है? पाप को ना मानना, पाप को ना समझना, मन नहीं फिराना। परमेश्वर ने कहा है, मन फिराओ, पाप से अलग हो जाओ, पाप से बिल्कुल पलट जाओ, यह है मन फिराना। लेकिन आप पाप को भी देख रहे हैं और उस जीवन को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं जो यीशु दे रहा है, इसलिए आपका अपराध है, यह आपका अपराध है। हेलो, यहूदा इस्करियोती का अपराध क्या था? उसको अधिकार मिला था, यहूदा इस्करियोती ने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बीमारों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था यहूदा इस्करियोती ने भी, फिर भी वो क्यों नरक गया? क्योंकि वो अपने अपराध को, पाप को मान नहीं रहा था। 12 अध्याय, यूहन्ना 12:5 पढ़िए, 4 से पढ़ लो। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़ने वाले पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी। एक और बस, हालेलुया। आपको पता है, यूहन्ना जैसा आदमी जो कि धर्मी था, चुना हुआ, परमेश्वर का बहुत प्रिय था यूहन्ना, वो बोल रहा है कि वो यहूदा इस्करियोती चोर था। मैन, इल्जाम लगा रहा है, वो चोर था। वो क्यों? क्योंकि उसने पहली बार नहीं कहा होगा। हम कभी कभी मजाक में पाप कर देते हैं और उसको मानते नहीं है, अरे तो मजाक था। नहीं, ठिठाई से किए हुए पाप। अपना भजन संहिता 19:13 पढ़ो। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई के पापों से बचा, जो मजाक में पाप किए जाते हैं उनसे बचा। हम लोग कई बार मजाक में पाप करते हैं, जानते हैं ये पाप है, लेकिन मजाक में उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं ठिठाई के पापों से बचा। 28:13 पढ़िए दोबारा, नीति वचन 28:13, Proverbs 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। होता है, गलतियां होती हैं इंसान से, जो मान लेता है और छोड़ देता है, मैंने गलती की, आई एम सॉरी, अब मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा, उसका पाप माफ किया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपराधों को मान कर उस पर नहीं चलता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका उत्तर देखिए 29:1 पढ़िए, प्रोवर्ब्स नीति वचन 29:1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। Yes, जो बार बार डांटे जाने पर, आपको परमेश्वर डांट रहा है, आप कलीसिया में आ रहे हैं, हम आपको डांट रहे हैं, हम आपको वचन के अनुसार बता रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं अरे यार पास्टर हमेशा कोई ना कोई वचन के अनुसार मुझे ही ताना देते हैं, आप समझते हैं। जो बार बार डांटे जाने पर भी अपने आप को नहीं संभालता वो अचानक नष्ट हो जाएगा, अचानक। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सीरियसली लीजिए, परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाइए, बता रहा हूं मैं आपको। वो जो कहता है उसको समझिए, यहां कलीसिया में आते हैं ईमानदारी के संग, चौकस रहिए सुनने के लिए कि क्या कहा जा रहा है। मैं याद करके नहीं बोलता हूं, कहीं आप समझे कि मैं एक घंटा याद करके आया हूं, पवित्र आत्मा मुझे देता है और मैं आपको बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं याद करके नहीं बोलता हूं एक घंटा, इसलिए जो वचन बोले जाते हैं एक तो उनको लिख लीजिए और उसको मनन करिए, समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर को खोजने की कोशिश करिए। अच्छे एग्जांपल्स में आप ताली तो बजा देते हैं लेकिन उसके अनुसार चलिए, जिस तरह मेरी चाबी खो जाए और मुझे चाबी की जरूरत है उसी तरह मुझे परमेश्वर के यीशु की जरूरत है, और जिस दिन यीशु मिल गया जो कल था वो आज होगा और हमेशा वही रहेगा। आप सच रहे हैं, आप यीशु को नहीं खोज रहे हैं, आप छोटे से छोटे लालच में यीशु को जाने दे रहे हैं, अपने छोटे से छोटे लालच में आप अपने स्वभाव को नहीं ला रहे हैं, आप यीशु मसीह को जाने दे रहे हैं। यीशु आना चाहता है लेकिन आपका लालच, आपकी लालच ने दीवार खड़ी कर दी है, आप पैसों का लालच कर रहे हैं, आप नौकरी का लालच कर रहे हैं। यीशु आना चाहता है कि मैं इस घर में जाऊंगा लेकिन आपने दीवार खड़ी कर दी है। यस, उचित समय पर वो आपका आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऊंचा उठाने का मतलब क्या पता, अभी अमितेश ने वचन दिया ना, ये उचित समय पर वो आपको ऊंचा उठाएगा, पहला पत्रस 5 ऊंचा उठाने का मतलब क्या है, आपको इस काबिल कर देगा कि आप हर पाप को इनकार कर सकें। ऊंचा उठाने का यह मतलब नहीं कि आपको नौकरी दे देगा बड़ी, आपका धंधा बढ़ा देगा बड़ा, नो, परमेश्वर का मकसद है कि आप यीशु के स्वरूप में आ जाएं। उसको आपको बड़ा बनाने का, धनी बनाने के लिए वो स्वर्ग से जमीन पर नहीं आया आपको, आप गलत सोच रहे हैं कि आपको अच्छी नौकरी के लिए आप चर्च में आ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं आप। यीशु चाहता है कि उसका स्वभाव आप में आ जाए, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होगा जिसके अंदर यीशु का स्वभाव होगा। आप समझे कि नहीं, हालेलुया। तो जब आप ठट्टों में उड़ाए जाएंगे, इसलिए बो, सबोपदेशक 11:6 पढ़िए, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक। हाँ, बो, प्रार्थना कर, अच्छी अच्छी आशीषें ले, अच्छा चरित्र बो, भोर को भी अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो, आगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। आमेन। किस बीज से फल निकलने वाला आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हैं। बो, सुबह भी बो, शाम को भी बो, हालेलुया। आगे, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमेन।
आप नहीं जानते। प्रार्थना करते रहिए, दिखाने के लिए नहीं। मती 6 का एक पढ़िए, देखिए मती 6 का एक जल्दी से पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। नहीं, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, भलाई के काम मत करो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल नहीं मिलेगा। बुढ़ा पढ़ो बेटा, दोबारा पढ़ो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इस वचन की शुरुआत किससे हो रही है? सावधान। आप क्यों कम कर रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं यहां पर? किससे प्रतिफल चाहते हैं आप, मनुष्यों से या परमेश्वर से? इसलिए मनुष्यों को मत दिखाइए अपने काम, परमेश्वर तब प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, जो परमेश्वर आपसे बात करता है उसको समझिए। परमेश्वर से सुनने के लिए समय दीजिए, वो आपसे बात करना चाहता है। अपनी बात कहकर निकल मत जाइए, बैठिए, उससे बोलिए पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। बैठिए, मांगिए उसे, सुनिए उसे, कहिए कि पापा मैं आपको सुनना चाहती हूं, मुझे बताइए मैं कहां गलत हूं, मुझे बताइए, हो सकता है जो मेरा काम है वो आपकी दृष्टि में गलत हो, मुझे बताइए मैं कहां गलत हूं, मैं सही हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया। आप अगर इस तरीके से मांगेंगे ना, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा। नीति वचन 14:6-7 पढ़िए। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। जब तू मूर्ख से अलग हो जाएगा तब तू ज्ञान की बात समझेगा उसकी। मूर्ख क्या है? आपकी संगति मूर्ख हो सकती है, आपके विचार मूर्ख हो सकते हैं, उनसे अलग हो जाइए। अगर आप सही शिक्षा नहीं पा रहे हैं, अगर आप सही परमेश्वर की का विवेक नहीं पा रहे हैं, उसकी आत्मा की सही अगुवाई में आप नहीं चल रहे हैं, आप ये देखिए मैं किस संगति में हूं। मैं गलत संगति में नहीं हूं, हो सकता मेरे परिवार में गलत संगति हो। मुझे मूर्खों की संगति छोड़नी है, तब मैं परमेश्वर का ज्ञान हासिल कर सकता हूं, तब मुझे प्रभु का ज्ञान समझ में आने लगेगा, और तब आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे और अद्भुत परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको जीवन देने आया है और अनंत काल का सुख देना चाहता है। आप छोटे सुख को मत मांगिए, छोटे सुख के लिए अपने जीवन को मत मांगिए, अनंत काल का सुख। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन अच्छा लगा आपको, हाँ के ना? आमीन। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। जो YouTube पे दे रहे हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं भाई बहनों के लिए, सुख मांगते हैं। जो वचन आपने मेरे द्वारा सुने हैं उन वचनों के अनुसार चलिए और दूसरों को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हालेलुया।